अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम मैथ 302 का लेक्चर नंबर 21 और लेक्चर 22 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर की तरफ आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, आपको ये मिड टर्म के लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं, इंशाल्लाह फाइनल टर्म के लेक्चर्स भी बहुत जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हमारे पास इसमें जो टॉपिक्स हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में 20 लेक्चर्स में फार्मूलाज डिस्कस किए थे, वही इसमें है। जस्ट एग्जांपल्स दी गई हैं, फार्मूलाज के अकॉर्डिंगली हमने वैल्यूज पुट करके जो है उनके फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, देखते हैं ज़रा। स्नैरियो वन, इसमें हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट का फार्मूला है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में भी स्टडी किया था। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को आपने याद रखना है कि CM से डिनोट करते हैं, और इसमें क्या होता है कि वेरिएबल कॉस्ट में से सेलिंग प्राइस को हमें माइनस करना होता है। जिस तरह कोई भी एग्जांपल दी गई हो, 50 हमारे पास सेलिंग प्राइस है और वेरिएबल कॉस्ट 30 है, तो इसको माइनस कर दिया, हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा 20 रुपीज़। ठीक है, अगर कंट्रीब्यूशन रेट में दिया जाए, ठीक है, ये तो यूनिट था, ये अगर रेट में दिया जाए यानी CR को डिनोट करता है, तो हमने सिंपली क्या करना है, जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा उस पर सेलिंग प्राइस पर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 100% से करना है। ठीक है, तो जिस तरह ये कोई एग्जांपल होगी, हमारे पास 20 कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, 50 हमारे पास जो है वो सेलिंग प्राइस है, इसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 100 से किया तो 40% आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट जो है, हमने ये लास्ट लेक्चर्स में बहुत इसको मैंने आपको डीपली डिस्क्राइब करके बताया था। ये वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर हमें ना ही लॉस होते हैं और ना ही प्रॉफिट होता है, बल्कि इसके बाद जो है हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। इन यूनिट्स अगर इसको हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास ये आता है फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, अगर हम इसको रुपीज़ में देखें या कह सकते हैं सेल में देखें, ठीक है, तो हमारे पास आपने सिंपली जो सेलिंग फैक्टर है इसके साथ मल्टीप्लाई करते रहे हैं, फार्मूला CMS वही होगा। इसी तरह कैपेसिटी है हमारे पास है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, उसको डिवाइड करना है प्रोडक्शन कैपेसिटी से, ठीक है, मल्टीप्लाई आपने 100% से करना है। तो ये जो फार्मूलाज को रट्टे लगाना जो है वो आपका काम है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली ही हमने एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, वैल्यूज़ दी जाएंगे, जस्ट आपको फार्मूलाज आने चाहिए, आपने वैल्यूज़ को पुट करके इसके आंसर निकालने हैं, तो ज़्यादा टाइम हमने वेस्ट नहीं करना। ये देखिए सर, हमारे पास ये FC पर पीरियड रुपीज़ हमारे पास जो दी गई है, वेरिएबल फ्रास्टी इस वेरिएबल दी गई है, कॉस्ट हमारे पास सेलिंग प्राइस दी गई है, प्रोडक्शन कैपेसिटी पर पीरियड। ठीक है, इस तरह हमें डाटा गिवन होगा, कोई भी एग्जाम्पल होगी तो सिंपली फार्मूलाज पुट करने हैं। अगर हमें कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट में, इन रुपीज़ में, एज अ परसेंट ऑफ कैपेसिटी में, सबसे पहले हमने ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट में फाइंड आउट करना हो तो इसका भी फार्मूला हमने डिस्कस किया है कि फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, और हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन को फाइंड आउट करने का हमने फार्मूला डिस्कस किया था कि वेरिएबल कॉस्ट को सेलिंग प्राइस पर माइनस करना है। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 157 है और सेलिंग प्राइस हमारे पास है 185, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास आ गया है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट को हमने यूनिट्स में फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास ये है फिक्स कॉस्ट हमें वैल्यू दी गई है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन की हमने 28 रुपीज़ निकाली है, जो कि 112 यूनिट्स होंगी। ब्रेक इवन पॉइंट्स को रुपीज़ में फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने सेलिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन से ही, जैसे CMS ये फार्मूला है, ये वाला, ठीक है, यूनिट वाला, जस्ट आपने रुपीज़ कह दें या आपको सेल कह दें यहाँ पे, ठीक है, इन सेलिंग रुपीज़, तो आपने सेल के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट एज अ परसेंट ऑफ कैपेसिटी, इसका फार्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कैपेसिटी, मल्टीप्लाई करना है 100% से, सेलिंग वैल्यूज दी गई हैं, सिंपली पुट करके आंसर निकाल लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसी तरह जो है एग्जाम्पल्स की गई हैं, अगर एक एक एग्जाम्पल्स करके दिखाई जाए तो लेक्चर लेंथी हो जाएगा, और वैसे भी आप फार्मूलाज याद रखना जो है वो मेन बात है, बाकी जो है इतनी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंड द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस दी गई है, इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट भी दी गई है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का ये फार्मूला है। तो पहले हमने सेलिंग प्राइस में से माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट को, सेलिंग प्राइस हमारे पास ये है 185, वेरिएबल कॉस्ट 157 है,
माइनस करेंगे 28 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका ब्रेक इवन पॉइंट्स का फॉर्मूला आपने पुट करना है, वैल्यूज गिवन है, ठीक है, तो आपने निकाल लेना है। इसी तरह स्टूडेंट्स इस लेक्चर्स में जो है ना वो एग्जांपल्स ही दी गई हैं फार्मूलाज पुट करके। ये लेक्चर्स नंबर ज़रा 22 में देख लेते हैं, अगर कोई नई चीज़ हमारे पास हो तो वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ये उन्होंने एक्सेल में करके बताया हुआ है, लेकिन ये जो है एक्सेल पे वर्क इसका नहीं आएगा, तो इस पे जो है एक्सेल पे अगर आप ना भी करें तो भी आपका पेपर जो है वो हो जाएगा अच्छे से। नेट इनकम जो है और प्रॉफिट, नेट इनकम और प्रॉफिट को देख लेते हैं। नेट इनकम हमारे पास बेसिकली होता है टोटल जो इनकम आती है वो किस तरह आती है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स सेल्स अबव ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मल्टीप्लाई करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ, ठीक है। तो अगर कहा जाए कि नेट इनकम को आपने फाइंड आउट करना है तो फिक्स कॉस्ट हमें दी गई है, वेरिएबल कॉस्ट दी गई है, सेलिंग प्राइस, कैपेसिटी, और इसमें आपने नेट इनकम को फाइंड आउट करना है तो जस्ट सिंपलीफाइड सिंपल आपने फार्मूला पुट करना है ये वाला, ठीक है, और वैल्यूज निकाल देनी है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम पीछे से करते आ रहे हैं, किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग इवन पॉइंट्स को भी हमने अभी देखा था किस तरह फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करके करते हैं, फाइंड यूनिट्स ओवर बी ई पी यूनिट्स। स्टूडेंट ये जो एक्सेल में दिए गए ना, कि आप एक बार अगर आपका डील कर रहे हैं कि आपने करना है, आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वही है प्लस माइनस डिवाइड, ठीक है, जो कि मैंने आपको स्टार्स वाले लेक्चर्स में ही इसका सारा समझा दिया था, तो इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। प्लस माइनस करना है, डिवाइड करना है फार्मूला के अकॉर्डिंगली एक्सेल में। वैसे ये एक्सेल में आपसे वो पूछेंगे नहीं इन लेक्चर्स में से पेपर में। नेट लॉस देख लेते हैं, हमारे पास याद रखना है कि नेट लॉस जो है इसको डिनोट करते हैं एन एल से, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स बिलो बी ई पी इन यूनिट्स और मल्टीप्लाई अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से करने हैं, ठीक है। जो हमने नेट इनकम था वहाँ पे आपने देखा था कि नंबर ऑफ यूनिट्स से अबव था, ठीक है, यहाँ पे बिलो है, तो इसमें डिफरेंस ये है, ये आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ। हमारे पास जो नेट इनकम था ये देखें, नंबर ऑफ यूनिट सेल अबव था, ठीक है, नेट इनकम में या प्रॉफिट हम इसको कह सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास से है नेट लॉस है इसमें बिलो आ जाता है। ये भी नेक्स्ट एग्जांपल्स है, ये आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक बताना वही सेम चीजें हैं तो टाइम वेस्ट होगा। जिस स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ पे होता है एंड आज आपके लेक्चर्स 22 यानी मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको फाइनल टर्म के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।